छा थियो तासा असा का ये थिया वाटर ते कपड़ा भी धोई दिया खास के लिए छोकरा आन बाटे जका आया मके ब जनान को आड़े खणे न्याजादी कईया मका किले फार्म में खणे आन फसल होते खणे आन होते मु दाहू कयन तो कोड़ी असा जी आई आड़ो पाड़ो भजिया है होते मानु भाई भजी वियान बाके इतरो जाया तो भाई केना दा फराट कई तो असा इन का वधी गाल कंदा रहे की करी भजी रहे मो कपड़ा फाड़या थे मके सफा कम खराब करे छे मका हालत नाजुक करे छिया इन ला करे दिया या तो आ गरीब आ असा हक जो फैसलो कयो कर शादी लगे तुजी मुजी माई आ वाइफ आ तुजी जी हां छा मामलो थयो इन सा सही बात रे कपड़ा पे धोते है उन खास के छोकरा आया ने मतलब ना जादी कई के होया वो छोकरा छा ना लाया उन जा खास के लिए ना बिलाल बिलाल नालवा अच्छा अच्छा तो हां आई जो उन जो बाय नूरसन हां असा पेरी जादी सांगड़ से रिपोर्ट शामिल करते हैं उस्मान अली शहजाद की। सांगड़ हारी खातून वडेरे के मजालिम से तंग आकर नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गई। बिलावर खास के लिए अरशद खास के लिए ने इज्जत में हाथ डाला, जिनसे ज्यादती की कोशिश की, इनकार पर कपड़े फाड़ दिए और जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। शर्मिती पद्मी की फरियाद। टंडो आदम सिटी थाने की हदूद गोट हाजी गुलाम कादर जो ने जो में 3 दिन कबल वाकया पेश आया, मुतासर खानदान उसूल इंसाफ के लिए नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गया। मुतासरा खातून शर्मिती पद्मी शोहर भौरियों और सास बेरी भील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वडेरे वक्कार जुनेजो के कमदार नूर हसन खास के लिए के दो भतीजे मुझे गलत काम पर उकसाते और तंग करते रहते थे। शर्मिती पद्मा ने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया कि तीन रोज़ कबल मैं अपने घरों के करीब अकेली वाटर पर कपड़े धो रही थी कि बिलावल खास के लिए, अरशद खास के लिए और नूर हसन खास के लिए मुबैना तौर पर मुझ पर हमला किया और करीब वैशी दरिंदो ने मेरे इनकार और और जान से मारने की धमकी दी गई। अपनी जुबान में रखने पर कहता रहा। कमदार ने उसे खास के लिए वजीर खास के लिए वजीर आए वजीर ये साचे हो रही वजीर के लिए सही के उसे तो बताया ना क्या और हमारी अच्छी रन कर दी है। जमींदार मकासा खानदान ने इंसाफ के उसूल के लिए उसके आला हुकाम से मुतालबा किया है। उस्मान अली शहजाद, आज़ाद रियासत, न्यूज़ सांगहर।